दोस्तों, हम जानते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी अहम रोल निभाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि सिर्फ पूंजी के कारण ही आप अपने बिजनेस को आगे लेके चले। वो आइडिया है, वो ट्रिक है जो आपके बिजनेस को छोटा से बड़ा बना सकता है। कोई भी कारोबार छोटा नहीं है, बशर्ते कि आप उसको सही लगन से आगे बड़ा करने की जज्बा और जुनून रखते हो। दोस्तों, आज मैं एक कारोबार की चर्चा करूंगा, इतना ही नहीं उसमें एक ऐसा ट्रिक लगाने की बात बताऊंगा जिसको अगर आपने सच में उसमें इंप्लीमेंट कर दिया, फिर आपका कारोबार रोज आपको 3,000 से ज्यादा की अर्निंग करके कैसे देगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आप पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर लें कि आपको एक सैलून की स्थापना करनी है, एक सैलून खोलना है। अगर आप कटिंग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम टाइम ये हो सकता है कि जो हमारे व्यूवर्स आती हैं उनको कटिंग करना नहीं आता होगा और वो चाहते भी नहीं है कि वो सैलून की स्थापना करें। फिर भी इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आप 2-3 वर्कर को रख करके इस काम को भी शुरू कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आपने एक सैलून को खोला है, सवाल है कि जब आपने उसको खोला है तो उसको चलने के पीछे भी एक सही स्ट्रेटजी काम करनी चाहिए ताकि ग्राहक आपके दुकान तक आए। आपने क्या किया कि 2 वर्कर रख लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी थी आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया है, अपने वर्कर को रख लिया है। वर्कर मतलब क्या, जिनको बाल काटना आता है वो आएंगे आपके दुकान पे रहेंगे। अभी दोस्तों, जो ट्रिक आपको करना है, लगाना है, वो मैं बताता हूं। आप जो बोर्ड बैनर अपने दुकान के ऊपर लगाइएगा, उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षर में लिख दीजिएगा कि अगर आप हमारे यहां 2 कटिंग कराते हैं तो 3री कटिंग मुफ्त में आपको करी जाएगी। ये सामने वाले ग्राहक को जो भी कटवाने आएंगे बाल, उनको बहुत पसंद आएगा। 50 रुपए में बाल काटा जाता है, जहां आज जनरल हेयर कटिंग रेट में आपको बता रहा हूं कि आप बाल कटवाने जाते हैं तो 50 रुपए मिनिमम आपको देना पड़ता है। हो सकता है कि पूरा गांव का क्षेत्र हो तो वहां 20 रुपए 30 रुपए चल रहे हो, लेकिन एक सेमी अर्बन एरिया में मोटा मोटी 50 रुपए आपको देना ही पड़ता है। अगर आप और हाईफाई सिटी में रहते हैं तो वही 60 रुपया 70 रुपया तक हेयर कटिंग जाता है। तो अगर आप किसी को ये ऑफर करते हैं कि 2 बार कटिंग करा लीजिए तो 3री कटिंग आपकी फ्री में करी जाएगी, उसका आप रजिस्टर पे नाम लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह लिख लीजिएगा, कर दीजिएगा कि 1 कटिंग हो चुकी है, 2 कटिंग हो चुकी है, 3री कटिंग, वो व्यक्ति खुद आएंगे आपको याद दिलाएंगे, आप ट्रेस करके 3री कटिंग की सर्विस उनको फ्री में देंगे। शेविंग की बात रही तो 3 शेविंग 4 शेविंग के बाद 5वीं शेविंग आपको मुफ्त में की जाएगी। ऐसा आप प्रचलन कर दें, आप अपने बोर्ड पे लिख दें, आपके शहर में या आपके ध्यान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस तरह का ऑफर आज तक दिया होगा। अगर आप देंगे, निश्चित रूप से आपके दुकान में चलकर लोग रोज आएंगे। इतना ही नहीं, आपके शहर में जो चौक चौराहा है, जो चलने वाली जगह है जहां पर भीड़ लगी रहती है, वहां भी खूबसूरत बोर्ड बैनर लगा दीजिए कि अमुक जगह पे मेरा सैलून है, वहां अगर आप शेविंग कराने कटिंग कराने आते हैं तो 2 शेविंग के बाद 3 शेविंग के बाद 3री 4थी शेविंग आपको फ्री करी जाती है। कटिंग भी 2 कटिंग 3 कटिंग के बाद आपको फ्री में बाल काटा जाता है। फिर आप आते रहिए, हमारे कस्टमर बनते रहिए, यानी आप ऑफर रेगुलरली उनको कुछ ना कुछ देते रहिए। ऐसा भी करिए कि अगर आप हमारे यहाँ रेगुलरली सेविंग कराने आते हैं तो इतना सेविंग अगर आप करा लेते हैं, मान लीजिए 50 सेविंग करा लेते हैं, तो आपको एक सेविंग क्रीम आपको फ्री में दिया जाता है। आप ये सब चीज अप्लाई करके देखिए, आपका बिजनेस काफी चल पड़ेगा। कोई नहीं करता है, सभी लोग पैसे कमाने की लालच में ही पड़े रह जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। 2 लकड़हारे थे जंगल में लकड़ी काटने गए। जो पहला लकड़हारा था वो सुबह 10 बजे से लकड़ी काटना शुरू किया, पेड़ काटना, काटे जा रहा है नॉन स्टॉप, बिना थके शाम तक काटता रहा। और एक जो लकड़हारा था वो एक पेड़ को काटने के बाद अपने कुल्हाड़ी के ऊपर धार को तेज करता था। हर पेड़ को काटने के बाद वो 5 मिनट का रेस्ट लेता था और कुल्हाड़ी के धार को तेज करता था। नतीजा क्या हुआ, लास्ट में जब कैलकुलेट किया गया तो जो पहला लकड़हारा था वो लगातार काटते जा रहा था, उसने 100 पेड़ काटे थे, लेकिन जो हर कटाई के बाद अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करता था उसने 500 पेड़ काटे थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पहला लकड़हारा था वो जब पेड़ को काटता था, हर कटाई के बाद उसके कुल्हाड़ी का जो धार था वो कम होता जाता था, यानी हर कटाई में उसका जो समय लगना था वो ज्यादा ज्यादा लगता गया। 70वां पेड़ काट रहा था तो ज्यादा समय लगा, 72वां पेड़ ज्यादा समय लगा, लेकिन जो दूसरा लकड़हारा था वो हर एक कटाई के बाद धार तेज करता था, हर एक पेड़ को वो कम समय में काट लेता था, यानी उतने ही समय में उसने ज्यादा पेड़ काट डाले। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज तक जो पारंपरिक रूप से बिजनेस आ रहा है उसमें कुछ एक ट्रिक लगा दीजिए। ऐसा लगाइए कि आपकी अर्निंग सेविंग थोड़ी कम हो जाए लेकिन ग्राहक थोड़े ज्यादा खुश हो जाए। आपकी कमाई कम है, ग्राहक ज्यादा खुश हैं, आप ज्यादा अर्न करेंगे। आज के लिए तो आपने बिजनेस में डाला है। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस को शुरू करता है वो अपने आने वाली पीढ़ी को खुश करने के लिए करता है। वो ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद इस बिजनेस को मैं बंद कर दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचता है। वो सोचता है कि आज हमने डाला है तो ये 50 नहीं 100 नहीं 1000 साल तक हमारा बिजनेस जिंदा रहे, बहुत बड़े रूप में मैग्नीफाई होकर आगे चले। तो यही स्ट्रेटजी है कि आपको बड़ा बना सकता है। तो दोस्तों, मैं कैलकुलेटिव पार्ट पे आता हूं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, ये तय है कि अगर आपने 3 वर्कर रखे हुए हैं तो प्रतिदिन आपके दुकान में
एक वर्कर के पीछे 20 व्यक्ति जरूर आएंगे। एक व्यक्ति अगर 20 व्यक्तियों का अगर हेयर कट करता है और हर व्यक्ति 50-50 रुपए उसको देकर जाते हैं, तो प्रतिदिन 3,000 रुपए की अर्निंग होगी, महीने में 90,000। अगर आपने 4-5 व्यक्तियों को रख लिया तो फिर समझिए कि 1,000 रुपए के हिसाब से और इंक्रीमेंट होगा। एक बाल को काटने में 15 मिनट का समय लगता है, 20 बाल को काटने में कितना समय लगेगा? लगभग 5 घंटे का समय लगेगा। तो 5 घंटे में वो निपटा देगा। और ड्यूटी तो कोई 8-9 घंटा करता है, बीच में थोड़ा देर वो रेस्ट करे या सेविंग वगैरह करना हो तो सेविंग वगैरह किसी का कर दे। कुल मिला के एक व्यक्ति आपको 1200-1500 रुपए अर्न करके देगा। नतीजा ये हुआ कि 3 व्यक्ति रखे हैं तो 3,000-4,000 प्रतिदिन की अर्निंग करेंगे, यानी 1.25 लाख तो आप टपा देंगे आगे, इससे इसमें कोई डाउट नहीं है। सबकी सैलरी को दे देने के बाद भी 50-60 हजार रुपए हर महीने आप सेव करने वाले हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको कटिंग का, फिर भी आपने कारोबार को एस्टेब्लिश किया और आगे बढ़ गए। तय रखिए कि आपको हर महीने 60,000-70,000 कहीं से कमाने हैं। सैलून खोलिए, किराना दुकान खोलिए, फुटवेयर की दुकान खोलिए, फास्ट फूड कॉर्नर खोलिए, कुछ भी कीजिए दोस्तों, हर महीने 60,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग आनी चाहिए। उससे कम में तो आप खुश होंगे ही नहीं। तो विचार कीजिए कि कैसे इसको आप 60,000 पर मंथ मिनिमम कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।